कल्याण अंक निकला है इस बार का, बहुत जोरदार है, शब्दों में तो क्या कहें, बहुत सुंदर है। पुस्तक उठाई कृपा अनुभूति, क्या नाम है उसका, मैं नाम इसलिए बता देता हूँ, आपको मिले तो पढ़ना या मेरे को बोलना, मंगा के दूंगा। उसका एक एक इस बार का जो लेख है ना, जीवन के भक्तों के जीवन में घटित घटनाएं हैं, उन्होंने उसमें लिखी हैं। तो लेख खोला, एक लेख प्राप्त हुआ, एक माता जी ने लिखा, क्या बताया उन्होंने, उन भक्तों ने अपने जीवन का अनुभव लिखते हुए लिखा, हम भोपाल में रहते थे, एक दिन अचानक से मेरे भाई का फोन आया खंडवा से, 4-5 घंटे की दूरी है भोपाल से खंडवा की, कहा पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जल्दी आ जाओ। अब मैं अपने पतिदेव के साथ तैयार हुई जाने को लिए, हम भोपाल के हबीबगंज स्टेशन पर पहुंचे, पता नहीं मेरे मन में क्या हुआ, मैंने अपने पतिदेव से कहा, आप एक काम करो, आप मत चलो, आप ऑफिस का काम निपटा कर शाम को आ जाना, जब तक मैं पहुंच जाती हूं और मैं पहुँच कर आपको बता दूंगी हालचाल कैसे है। पतिदेव मान गए, उन्होंने हाथ में टिकट दे दी, कहा ये ले जाओ और जब तक मैं घर की तरफ जाता हूँ। वह घर की तरफ जाने लगे प्लेटफार्म से, इतने में एक ट्रेन आई, गोरखपुर कुर्ला एक्सप्रेस। मैंने सब याद किया आपको बताने के लिए, मैं ऐसे तो भूल जाता हूँ, पर इसको कहानी को 3 बार पढ़ा, मैंने कहा बहुत अच्छी है, एक बार पढ़ा याद नहीं रही, फिर वापस पढ़ा, मैंने कहा बहुत सुंदर प्रसंग है। गोरखपुर कुर्ला एक्सप्रेस आने लगी तो किसी ने कहा चढ़ जाओ इसी में, खंडवा पहुंच जाओगे। तो किसी ने कहा रुकेगी नहीं यहाँ पे, तो कहा यहाँ तो रुकेगी, कई लोग बोल रहे खंडवा में नहीं रुकेगी, कोई बोल रहे मनमाड़ पे रुकेगी, बहुत चर्चाएं हो रही थी। तभी किसी ने कहा पंजाब मेल 2.5 घंटे लेट है, इसमें ही चढ़ना उचित है। अब जैसे ट्रेन आई हम चढ़ गए, मैंने टीसी को दिखाया खंडवा जाना है, कहा बैठ जाओ बैठ जाओ। अब बैठ गए सब, अब ट्रेन चलने लगी, मेरे हाथ में कल्याण का एक अंक था, जो उन्होंने बताया वो बता रहा हूँ, कहा कल्याण का एक अंक निकाला और उसके आखिरी पृष्ठों में जीवन के अनुभव होते हैं। मैंने एक जीवन का अनुभव पढ़ना प्रारंभ किया, किसी भक्त ने लिखा था, उसने लिखा मैं लखनऊ में रहता हूँ और लखनऊ में काम करने आया अपने गांव से, एक दिन अचानक मेरे भाई का फोन आया, जल्दी आ जाओ पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। अब मैं जाने को तैयार हुआ, मैंने बस ले ली, मेरी बस चलने लगी, पर इस बार जो बस चल रही थी, चलते चलते 3 घंटे हो गए, पर दूर दूर तक मुझे अपना गांव दिखाई नहीं दिया, समझ ही नहीं आया कि, मन में चिंता होने लगी, घर पहुंचना है और लगता है बस जल्दबाजी में मैंने गलत पकड़ ली है। अब बस चलती जा रही है, अचानक से बस वाले ने क्या किया, एक मोड़ गलत ले लिया, पहाड़ी मार्ग ले लिया, उस पहाड़ी मार्ग पर बस चलाता गया, सामने से एक बस वाला आ रहा था, उसने इशारा किया रुको कहाँ जा रहे हो, कहा इस गांव में जाना है, कहा यहाँ से कोई रास्ता नहीं है और आगे पहाड़ टूटे हैं, रास्ता खराब है, बरसात भयानक है, यहाँ से मोड़ लो, मेरे पीछे पीछे चलो, मैं यहाँ लगातार आता हूँ। अब उसकी बात मानकर हमारे बस वाले ने बस मोड़ ली, चिपर जैसे ही बस मुड़ी मैं समझ गया अब वापस कहाँ पहुँच जाऊँगा, जहाँ से मैं आया था लखनऊ पहुँच जाऊँगा। ची रोना आ गया मुझे, बहुत तेज रोया कि परमात्मा दया करो और अपने गुरुजी का जो नाम था ना, उस नाम को जपना प्रारंभ कर दिया, जपता गया, नेत्र बंद थे, 20 मिनट बाद जब मेरी आँखें खुली
तो मैं देखकर हैरान हो गया। वह बस कहाँ से गुजर रही थी? मेरे गांव के पास में से। मैंने सोचा अभी तक तो कुछ था नहीं, यह तो वही प्रकृति नज़ारे हैं जो मेरे घर के नज़दीक होते हैं, गांव के नज़दीक होते हैं। उन्हें देखकर मैं हैरान हुआ। बस वाले ने बस रोकी, मेरे गांव का नाम पुकारा और मैं उतर गया। मैं अपने गांव पहुंचा, पिताजी से मिला। पिताजी देखकर प्रसन्न हुए। गांव वालों ने पूछा, तुम आए कैसे हो? कहा, बस में। कहा, 15 दिन से तो कोई बस हमारे गांव में आई नहीं है, कैसे पहुंचे? कहा, मैं तो बस से आया हूं। कहा, उस समय मैं समझ गया मुझे यहां तक कौन लेके आया है। परमात्मा लेकर आए हैं। फिर उसने आगे लिखा कि परमात्मा ने मेरे कारण बस का रास्ता ही परिवर्तित कर दिया। उस परमात्मा को मेरा नमस्कार है। तो जो माता जी यह लेख पढ़ रही थी, उसने कहा, क्या अनाप शनाप है, जिसके मन में जो आता है वो लिख देता है। कहा, मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने भी वो किताब पढ़कर वापस अपने बैग में डाल दी। अब ट्रेन चल रही थी, चलते चलते सिरहाड़, बुरहानपुर के नज़दीक एक सिरहाड़ गांव है, वहां पर आकर ट्रेन रुकी। लोगों ने चिल्लाना चालू किया, खंडवा नज़दीक है उतर जाओ, खंडवा नज़दीक है उतर जाओ। तो मैंने टीसी को बुलाकर पूछा, क्या खंडवा यह ट्रेन नहीं रुकेगी? कहा, खंडवा नहीं रुकेगी ट्रेन। अब सीधा कहाँ रुकेगी? 5 घंटे बाद मनमाड़ में रुकेगी। अब मेरी हालत तो खराब होने लगी। मैंने उसे डांटते हुए कहा, तुमने कहा खंडवा रुकेगी। कहा, मैंने कब कहा था? तुम टिकट लेकर आए, बैठ गए। कहा, तुम्हारा काम है देखना। कहा, हजारों के टिकट देखता रहूंगा? जिसको जहां समझ होती है वहां से चढ़ता है और आगे जाके उतर जाता है। कहा, मेरे साथी मुझसे कहने लगे, जो अन्य यात्री थे, आओ बहन जी, आप हाथ दो, आपको नीचे उतारते हैं। पर मैंने मना कर दिया, मैं उतर ही नहीं पाऊंगी। पर बहुत जिद करने के बाद मैं जैसे ही गेट पर पहुंची तो ट्रेन की इंजन स्टार्ट हो गई और ट्रेन ने जल्दी से गति पकड़ ली। अब ट्रेन बड़े जोर से चलने लगी। मेरा मन घबरा गया। अब रात को ट्रेन मुझे कहाँ छोड़ेगी? मनमाड़ स्टेशन पर रात को 12 बजे, ना कोई मिलने वाला, ना पूछने वाला, ना फोन, और ना ही किसी को इतला दी थी। और मैं अपने पतिदेव से क्या कहकर आई थी, मैं खंडवा उतर जाऊंगी, आप शाम को पहुंच जाना। अब इस प्रकार मन बहुत दुखित हो गया। मन में इतना गहरा आघात हुआ कि मुझसे धोखा हो गया है। अब मैं सीट पर जाकर बैठ गई। टीसी ने कहा, माताजी चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। मनमाड़ से आप टिकट ले लेना, 5 घंटे लगेंगे, वापस खंडवा पहुंच जाओगे। अब कहने लगी, मैं अकेली कैसे आ सकती हूँ? रात को मनमाड़ स्टेशन पर कोई मिले या न मिले, बहुत दिक्कत वाली बात है। एक बार 2002 की बात है, गुरु महाराज जी के साथ हम भी मनमाड़ गए। स्टेशन इतना सुनसान था, देखकर हैरान हो गए। ना कोई पानी वाला, ना कोली, ना यात्री, कुछ नहीं। हमको ट्रेन बदलनी थी स्वामी जी के साथ। अब उससे पहले की यह बात होगी। अब यह सुनकर मुझे रोना आ रहा था। रोते रोते मैंने अपने गुरुदेव को याद किया। धतिया में मेरे गुरुजी रहते थे, उनको प्रार्थना की, गुरुजी कृपा करो, दया करो, कोई मार्ग मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए, अन्यथा जाना बहुत कठिन है, मैं अटक जाऊंगी, भटक जाऊंगी, और परिवार वाले विचार करते रहेंगे। कहा, इस प्रकार चिंतन कर ही रही थी, मुश्किल से 20 मिनट हुए, अचानक से ट्रेन रुक गई। मैंने सोचा, यह ट्रेन तो मनमाड़ तक रुकनी नहीं है, हुआ क्या है? अचानक से ट्रेन रुकी और टीसी भागता हुआ मेरे पास आया। कहा, माताजी एक सलाह दे रहा हूँ, जल्दी से एक काम करो, यह बुरहानपुर स्टेशन है, प्लेटफार्म नहीं है, पर यहाँ पर किसी कारण से ट्रेन को रोका गया है, क्योंकि एक अन्य ट्रेन जो है नांदेड़ सचखंड एक्सप्रेस, वो यहाँ से जाने वाली है,
उसके कारण से इस ट्रेन को रोका गया है। मैं आपको सलाह देता हूँ, आप उतर जाओ और टिकट लेकर उस ट्रेन में चढ़ जाना, वह ट्रेन आपको खंडवा उतार देगी। जी मैं उसकी बात सुनती जा रही थी। पूछा, सच कहते हो? कहा, मैं सच कहता हूँ, पता नहीं यह ट्रेन क्यों रुकी है यहाँ पर आपको सलाह देता हूँ, आप उतर जाओ और यह स्टेशन बड़ा है बुरहानपुर, आप उतर जाओ, टिकट मिल जाएगी। उसकी बात मानकर मैं वहाँ से उतरी और सामने ही थोड़ा चलने पर मुझे टिकट मिली, टिकट काउंटर से टिकट ले ली। अब सचखंड एक्सप्रेस का इंतज़ार करने लगी, पर जैसे ही ट्रेन आई उसमें बहुत सारी भीड़ थी, चढ़ने की व्यवस्था ही नहीं थी। तभी अचानक से एक 18-19 साल का लड़का मेरे पास आया और मुझे कहने लगा, दीदी मुझे नहीं जानती हो? मैंने कहा, मैं तो नहीं जानती। कहा, मुझे नहीं जानती हो? मैं जोशी जी का बेटा हूँ, आपके घर के पास रहता हूँ, कल आपके पिताजी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। कहा, मैं नहीं पहचान पा रही थी, पर उसे मेरी सब कुछ जानकारी पता थी। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ट्रेन में बैठाता हूँ। ऐसा कह सारी भीड़ को चीरते हुए वो मुझे ट्रेन में ले गया। उसने मुझे ट्रेन में चढ़ा दिया। मैं ट्रेन में चढ़ी, बैठी, थोड़ी देर वो मेरे पास बैठा था, बोलने लगा, दीदी चिंता मत करो, मैं इस मार्ग पर आता जाता रहता हूँ और कभी किसी को दिक्कत होती है तो बहुत बार रास्ता मैं ही बताता हूँ। ऐसा कहकर वो चला गया। मैं टाइम से खंडवा पहुँची, अपने पिताजी से जाकर मिली, पर मेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा था। सब देखकर हैरान, पिताजी पहले ही बीमार हैं और यह रोती जा रही है। पिता ने कहा, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तब मैंने कहा, आपको कुछ नहीं हुआ है, पर जो आज मेरे साथ हुआ है, अगर वो सबके साथ हो जाए तो सबका भगवान के प्रति विश्वास बढ़ जाएगा। तब घर वालों ने पूछा, कौन सी ट्रेन में आई हो? तब उसने नाम लिखा है, कृपा एक्सप्रेस। कौन सी एक्सप्रेस? कितना बढ़िया सुंदर नाम है। सब लोग पूछने, कृपा एक्सप्रेस किसकी एक्सप्रेस है? कहा, यह गुरुजी की एक्सप्रेस है, जब गुरुजी ने कृपा करी है तभी मैं आज आप तक पहुंच पाई। सारी बात बताई, किस प्रकार वो बालक मिला गुरुजी के रूप में, जिसने मुझे उस अंधेरे से, उस भीड़ से निकाल कर आप तक पहुंचाया है। तो गुरुजी का जो नाम है ना, वो अद्भुत होता है। वह हर समय हर संकट में हमारा सहायक बन जाता है। कब? जब हमारे मन का विश्वास पक्का और निष्ठा सच्ची हो।